इंटरनेशनल योगा डे 2024 पर मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन इस दिवस का आपने लाभ जरूर उठाया होगा और योग का अभ्यास अवश्य किया होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो इंटरनेशनल योगा डे की थीम है, योगा फॉर सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। इसका मतलब है योग के लिए खुद को इंस्पायर करें और योग के लिए अपने समाज के अन्य लोगों को भी इंस्पायर करें, तो इसका सही लाभ होगा। और आज के दिन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आप सभी जानते हैं कि ये इंटरनेशनल योगा दिवस विगत 10 वर्षों से दुनिया के 130 मुल्कों में हर्षोल्लास के साथ लोग इसको मनाते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। अमेरिका जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। और इस बात की बड़ी खुशी है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा सारी दुनिया के लोग योग के प्रति जागरूक हैं और अब ढेर सारे योगा क्लिनिक खुल गए हैं और लोग वहाँ का फायदा इसका उठा रहे हैं। हम सभी आभारी हैं महर्षि पतंजलि की, जिन्होंने 5000 पूर्व ऐसी विधा पूरे मानव जाति को दी जिससे हमारा कल्याण हो और आज हम उसका योग का लाभ उठा रहे हैं। और हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 10 वर्ष पूर्व 2014 में यूनाइटेड नेशन की असेंबली में इसका प्रस्ताव दिया था जो लोगों ने मंजूर किया। और 21 जून 2015 से हर वर्ष नियमित रूप से सारी दुनिया में इस दिन को लोग मनाते हैं। मकसद है इस दिन का कि लोगों को योग के प्रति जागरूक करें ताकि लोग हमारा समाज स्वस्थ हो, हमारे नागरिक स्वस्थ हों और इसका लाभ लोगों को मिल सके। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभ्यास करने के पहले योगा के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को योग के लाभ के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये एक अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज करने का एक दूसरा टेक्निक है, जैसे वॉक हम लोग करते हैं, जिम जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो भी ये एक तरह का विज्ञान है। ये उनका भ्रम है। और कुछ लोगों को ये है कि योगा इज एन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन की तरह इससे भी उपचार हो सकता है। दोनों धारणाएँ सही नहीं हैं। मैं यहाँ पर आपसे आगाह करूँगा कि योगा इज द साइंस ऑफ हेल्थ, इट इज़ नॉट ए साइंस ऑफ डिजीज। ये कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये लोगों को स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ जीवन कला, स्वस्थ जीवन कैसे जिए इस बात को सिखलाता है और इसके लिए इंस्पायर करता है। ये स्वास्थ्य का विज्ञान है, ये रोग का विज्ञान नहीं है। और हमारा मेडिकल साइंस, इट इज़ ए साइंस ऑफ डिजीज, इट इज़ नॉट ए साइंस ऑफ हेल्थ, इस बात में फ़र्क करना सीखें। इसलिए योग को अपनाने के पहले उसकी पूरी जानकारी लें, तब फैसला करें कि आपके लिए योग कितना लाभकारी है कि नहीं। जब आप इससे कन्विंस हो जाएं कि योगा आपके लिए काम की चीज़ है, संकल्प लें, एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से कुछ रोज के लिए सीखें इसको और नियमित रूप से अभ्यास करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आइए हम इस बात का जिक्र करते हैं कि योग से क्या क्या लाभ हमको मिल सकते हैं। जब तक इस लाभ को नहीं जानेंगे, हम लोग उसके योग के अभ्यास करने से कतराएंगे। योग की सबसे बड़ी फायदे है कि ये हमें संपूर्ण स्वास्थ्य देता है। संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब जिसे WHO ने डिफाइन किया था, वो था कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयर द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। मतलब स्वास्थ्य शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, जब हम स्वस्थ हैं त
तभी हम संपूर्ण स्वास्थ्य है। ये सिंपल कोई रोग का हमारे में हमारे शरीर में ना होना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। तो ये संपूर्ण स्वास्थ्य के अलावा हमें मानसिक शांति भी देता है, जिसकी तलाश सारी दुनिया को है। ये हमें चिंता मुक्त करता है, ये हमें अवेयरनेस सिखलाता है, जिसको बोलते हैं सजगता। हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करता है। हमें ये ऊर्जावान बनाता है, सारा दिन हम अपने आप को फिट समझते हैं, ऊर्जावान समझते हैं, थकान हम पर हावी नहीं होता है। ये इसको अभ्यास करने से हमें अच्छी नींद आती है। हमारे जितने शरीर के सिस्टम हैं, हार्ट, ब्रेन, पाचन तंत्र और हड्डियाँ और मांसपेशियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं और ये अपने पुष्ट होती हैं, फिट होती हैं। जो जबकि इसको फिट रहने से हमारी लंबी उम्र होने के बाद भी इन अंगों का रोग हम पर हावी नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो लोग भी योग के अभ्यासी हैं, अमेरिका में शोध ने इस बात को साबित किया है कि योग के अभ्यास करने वाले, सही ढंग से प्राणायाम को करने वाले, सही ढंग से सांस को लेने वालों की उम्र लंबी होती है। उसका बहुत ही सकारात्मक असर उनके क्रोमोजोम पर पड़ता है। इतनी बातों की जानकारी मिलने के बाद मैं समझता हूँ मैं कि आप में से कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो योग को अपनाना नहीं चाहेंगे। इतनी पूरी जानकारी के साथ, इतनी उम्मीदों के साथ, इतने सपनों के साथ योग को अपनाइए, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। एक विद्वान ने कहा था कि बहुत कुछ मिलेगा सौगात में, कुछ पल तो गुजारिए योग के अभ्यास में। आप करें पूरे संकल्प के साथ, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, निश्चित तौर से आपको फल मिलेगी। दूसरा प्रश्न है कि योग को कैसे करें। उसमें ज़्यादातर लोगों से गलती होती है। कुछ लोग खाना खा के योग करते हैं, किसी का योग करने का समय निश्चित नहीं है। योग के बारे में जो फंडामेंटल जानकारी है कि योग करते समय पेट आपका खाली होना चाहिए, खाना खाने के बाद योग ना करें। खुली स्थान पर करें, छत में, फील्ड में, कैंपस में। अगर ये नहीं उपलब्ध है तो ऐसे रूम में करें जो हवादार हो, वेंटिलेटर, जहाँ हवा आती जाती हो। बेड पर नहीं करना है, ज़मीन पर चादर या मैट, योगा मैट या कंबल बिछा के अभ्यास करें। और जो इंस्ट्रक्टर ने सिखाया है कि पहले कुछ आसन कर लें, उसके बाद कुछ प्राणायाम कर लें। जब आसन और प्राणायाम करने से आपका शरीर और मन स्थिर बैठने की स्थिति में हो जाता है तो आप ध्यान का अभ्यास करने के लिए सक्षम हैं। ध्यान का अभ्यास करें, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और मन की शांति अपना प्राप्त होगा। आप पर स्ट्रेस, चिंता, भय हावी नहीं होंगे और आप ढेर सारे रोगों से मुक्त होंगे। तो इतनी सावधानियां करने के बाद आप अभ्यास करें, आपको निश्चित तौर से फायदा होगा। एक चीज़ और है कि योग के अभ्यास में जीवन शैली का बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जीवन शैली में डिसिप्लिन को मात्र जोड़ दें तो वो यौगिक शैली हो जाता है। डिसिप्लिन का मतलब आपका सोने का समय निश्चित होना चाहिए, आप 5 से 6 के बीच में सुबह उठने की आदत डालें, टाइम पर खाना खाने की आदत डालें, हल्का भोजन करें, भोजन स्लोली करें और बहुत ही स्पीड में खाना नहीं खाएं, भोजन को थोड़ा नीचे जमाएं। भोजन के दौरान कोशिश करें पानी ना पिए, 1/2 घंटे के बाद पानी पिए ताकि भोजन ठीक से पचे। खाते समय शाकाहारी भोजन, ताजे भोजन हो, जंक फूड जो मार्केट में खाने मिलते हैं उस भोजन से बचें। उससे गैस की समस्या, पेट की समस्या हो सकती है, वो हमारे हार्ट के लिए हेल्दी खाना नहीं है। तो अगर आप इतना अभ्यास करते हैं और नियमित करते हैं तो डेफिनेट फायदा करेगा। महिलाओं के लिए योग की ज़बरदस्त भूमिका है कि महिलाओं को एक सबसे बड़ी खास बात जिसे झेलना पड़ता है उसको बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। जब से उनकी शादी होती है, उनको उनके गर्भधारण करने से, चाइल्ड अपने बर्थ होने के कारण, तो हार्मोनल की काफ़ी सारी स्विंग होती हैं, चेंजेज उनको झेलना पड़ता है। और मासिक धर्म खत्म होने के बाद, जिसको टेक्निकल भाषा में मेनोपॉज करते हैं, उसके बाद भी हार्मोनल में काफ़ी स्विंग होता है, काफ़ी परिवर्तन होता है, इम्बैलेंस होता है। और सारी दुनिया में
बगैर दवाई के हार्मोनल को, हार्मोनल सिक्रेशन को बैलेंस करने का विज्ञान है, तो वो है योग का विज्ञान। अगर महिलाएं शुरू से योग का नियमित अभ्यास करती हैं तो ओल्ड एज होने के बाद भी वो फिट रहेंगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द नहीं होगा, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, हार्ट की बीमारी लकवा नहीं होगा, वो स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों पर ध्यान देंगे, योग का नियमित अभ्यास करेंगे। और मैं इस वीडियो के अंत में कुछ आपके देखने के लायक आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन से संबंधित कुछ वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको देखें, लोगों में शेयर करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो औरों को भी शेयर करें, इंस्पायर करें, संभव हो तो उसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।